आप लोग साहब आज त्रिपुरा से आया है, 3 दिन का ट्रेन का जर्नी था, आप लोग थक भी चुका होगा, आप लोग को थोड़ा आराम भी करना है, थोड़ा दिल्ली भी देखना है आप लोग को। तो अंगबिसी कोक्सालिया, मैं अभी ज्यादा बात नहीं करूंगा, कल 1 तारीख दिसंबर मैं दुबागरा आप सब से बात करेगा। आज आपको सिर्फ एक ही बात हमको बोलना है, यहां में जो मीडिया है जो बाहर से भी आए हैं, मैं उनको भी एक ही बात बोलना चाहता हूं। हमारे पिपरासा कॉकबरोक में एक शब्द है, वही शब्द हमारा हालाम कम्युनिटी में भी है मुनखाट, और तिपरासा में एक शब्द है थानसा। थानसा का मतलब होता है एकता। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहां में हमारे संग बाहर के एमपीज, जयराम रमेश हो या प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना से या आम आदमी पार्टी से या बीपीएफ से या बोडो पार्टी से, दार्जिलिंग से गोरखाज लोग सब यहां में आए हैं सपोर्ट करने के लिए। हमारा जो डिमांड है ग्रेटर तिपरा लैंड या तिपरा लैंड का, ये डिमांड हिंदुस्तान के संविधान के अंदर है, और ये डिमांड बुबागरा रखते रहेगा, क्योंकि बुबागरा को अभी एक पत्रकार ने पूछा कि आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, मैंने कहा मैं बुबागरा हूं, मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, मुझे ग्रेटर तिपरा लैंड चाहिए, नो कंप्रोमाइज। बहुत लोग समझ नहीं पाएंगे एमपी क्यों नहीं बन रहा है, मुख्यमंत्री मंत्री क्यों नहीं बन रहा है, लेकिन वो लोग समझता नहीं है, जो प्यार बुबागरा को मिलता है आपसे वो अनकंडीशनल है, वो मंत्री एमएलए बनने से नहीं मिलता है, वो आपके दिल में है। मेवाड़ ने कहा 5000 साल, 5000 साल से जो प्यार सम्मान हम लोग को मिला है वो कोई मंत्री का पोस्ट से एमएलए का पोस्ट से नहीं मिलने वाला, इसके लिए मैं आपके लिए फाइट कर रहा हूं, और इस फाइट में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहां में सिंधु कन्या है, मंगल आया है, यहां में आईपीएफटी के बहुत लीडर्स है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के यहां में सदस्य भी है, विजय कुमार रांखोल है, बहुत लोग हैं यहां में। और हमारा लक्ष्य क्या है, ये पोस्ट, ये रंग, पैसा, लाल बत्ती, सिक्योरिटी, ये पूरा जिंदगी आपके संग नहीं रहेगा, और 2026 में डिलिमिटेशन होगा, और जब ये डिलिमिटेशन होगा और हम लोग त्रिपुरा जैसा आज है वैसा रहेगा तो हमारा भविष्य नहीं है। इसके लिए मैं अनुरोध करता हूं, कोई भी हो, एमएलए हो, मंत्री हो, कोई भी हो, नेता हो, आपका पार्टी आपका जाति से बड़ा नहीं हो सकता, आज इस मंच से मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक बात बोलना चाहता हूं। हम लोग मेमोरेंडम दे रहे हैं, मेमोरेंडम इंग्लिश में जाएगा, कॉकबोरोक में जाएगा, हिंदी में भी जाएगा, और मेमोरेंडम में हम लोग ने नहीं बोला ये दे दो वो दे दो रंग दे दो यहां में वो कर दो, नहीं, हमने सिर्फ सिंगल पॉइंट डिमांड रखा है, हमको तिपरा लैंड या ग्रेटर तिपरा लैंड रखा, क्योंकि अगर हम हमेशा अलग अलग डिमांड जाके दिया हमने तो क्या होता है, गवर्नमेंट बोलता है कोई नंबर 4 रख लो, 3 रख लो, तिपरा लैंड को छोड़ दो, नहीं, अब सिंगल पॉइंट डिमांड है, सिंगल पॉइंट डिमांड। आज आप लोग थके हुए हैं, जाके आराम करो, कल आपके अंदर जोश होना चाहिए,
कल यहाँ में रैली भी होगा और कल ऐसा इतना आवाज करो, पार्लियामेंट सामने है, उनको भी लगना चाहिए कि राज्य छोटा है पिपरा का, हम लोग का राज्य छोटा है, हम लोग गुकुंबरा है, लेकिन जब पिपरासा का थानसा होता है 5000 साल तक किसी ने हमको हराया नहीं। आज अगर पिपरासा एक हो गया, एक ही मंच में हमारा मेवार, एक ही मंच में ऋषिकेतु, कमल, गणेश, विजय रामखोल, चित्तो बाबू, सब लोग यहाँ में एक मंच में, जगदीश देव वर्मा, सब लोग, पार्टी अलग हो सकता था, INPT, TSP, IPFT, पिपरा मोथा, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये वन लास्ट फाइट अगर एक होके हमने किया, एक पार्टी बनके किया, सब लोग बोलता है आप लोग तो सिर्फ 30% है, ये 30% अगर एक हो जाए ना तो 3000 लोग भी हमारे सामने हो, हम लोग अकेला, अगर 3 लाख आदमी हो, 30 लाख आदमी हो, अगर हम लोग एक हो गया तो मैं आपको बोल रहा हूं 2023 में विदाउट कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज फॉर तिपरा लैंड हम लोग फाइट करके रहेंगे। और अगर किसी ने हमको धोखा दिया, किसी ने गद्दारी किया, तो मुझे कोई चिंता नहीं है, यहां में इतना बुरी लोग हम लोग का आपको MLA बना देगा, यहां में इतना सिकला है हम लोग का, चला है, आप लोग को MLA बना देगा। लीडर नहीं चाहिए हम लोग को, लीडर नहीं चाहिए, नेतागिरी नहीं चाहिए हम लोग को, सिर्फ ग्रेटर तिपरा लैंड या तिपरा लैंड चाहिए। बलाउनो हम भाई, कल मैं यहां में फिर से आराम से आप लोग से बात करूंगा, आप सब आराम कीजिए, कल बी रेडी टू शो दिल्ली दैट द पिपरासा पीपल आर हियर एंड वी आर गोइंग टू डिमांड। बलाउनो हम भाई, धन्यवाद, थैंक यू, करूंगा।